हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट कनीषा। तो दोस्तों, रामनवमी पर शाम को करिए टोटके, प्रसन्न होगी महालक्ष्मी, धन में होगी वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों रामनवमी की उपाय की। दोस्तों, रामनवमी का महापर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनवमी पर भगवान राम के जन्म की खुशियां मनाने के साथ ही इस दिन को बहुत ही शुभ मुहूर्त के तौर पर भी मनाया जाता है। दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य आरम्भ करने के लिए दोस्तों ये दिन सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा रामनवमी पर धन वृद्धि के लिए कुछ खास उपाय करने से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर धन में वृद्धि होने का आशीर्वाद देती है और जीवन में तरक्की प्रदान करती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कुछ खास उपाय के बारे में। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, रामनवमी तिथि बहुत ही शुभ मुहूर्त के रूप में मानी जाती है। इस दिन धन वृद्धि के कुछ अचूक उपाय करना बेहद असरदार माना जाता है। भगवान राम को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। दोस्तों, इस दिन शाम के वक्त या फिर रात में कुछ उपाय करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते दोस्तों खास उपाय। दोस्तों, रामनवमी के दिन कोई भी नया काम करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक संकट चल रहा हो तो रामनवमी के दिन आरंभ करके रोजाना अपने घर के रसोई में कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं करें। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आर्थिक कष्ट दूर होगा। तो दोस्तों, ये खास उपाय अवश्य करें। रामनवमी के दिन शाम के वक्त ऐसे मंदिर में जाएं जहां हनुमान जी और भगवान राम सीता की प्रतिमा हो। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर महालक्ष्मी के चरण में लगाएं। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन से हर प्रकार की चिंता धीरे धीरे करके कम होने लगती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, अवश्य करें। दोस्तों, रामनवमी के दिन शाम के वक्त भगवान राम के मंदिर में जाए या फिर घर पर ही विधि विधान से पूजा पाठ करें और उसके बाद कम से कम 5 बार तुलसी की माला से भगवान राम का मंत्र अवश्य जपें। दोस्तों, ये मंत्र है जय श्री राम। दोस्तों, इस चमत्कारी मंत्र से दोस्तों 5 बार तुलसी की माला अवश्य जपें। तो दोस्तों, भगवान विष्णु को पीताम्बर धारी माना गया है और भगवान राम की विष्णु जी के अवतार है। तो रामनवमी के शुभ अवसर पर पूजा पाठ संपन्न होने के बाद भगवान राम को पीले वस्त्र अर्पित करें। अगर आप संपूर्ण वस्त्र दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पीले रंग का गमछा ही दान कर सकते हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपके घर में दरिद्रता दूर होती है। तो दोस्तों, अवश्य करें। दोस्तों, शमी के पेड़ के शास्त्र में बहुत ही खास महत्व माना जाता है। रामनवमी पर शाम के वक्त शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कारोबार में तरक्की के लिए 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले और उसमें एक जनेऊ, एक पान और शमी के 5 पत्ते लेकर सारी सामग्री को भगवान राम के मंदिर में अर्पित कर दे। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी सभी आर्थिक समस्या अवश्य दूर होगी। तो दोस्तों, ये खास उपाय अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह से खास उपाय करने से रामनवमी के मौके पर आपके दोस्तों आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।